नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं राइटिंग फाइल इन पाइथन। ओके, तो फाइल के अंदर हम कैसे एक फाइल क्रिएट करके एंड उसके अंदर हम कैसे लिख सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो उसके अंदर पहले लिखने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एंड उसके अंदर वैल्यू मैं मुंबई कर देता हूँ, दिल्ली, चेन्नई। ओके, तो ये सब मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। और फिर अब मैं यहाँ पर विथ फंक्शन यूज करूंगा। ओके, तो विथ में मैं पहले फाइल को मैं ओपन करूंगा और इसके अंदर देन मैं एक फोल्डर, एक फाइल क्रिएट करके देन मैं वहां पर सब कुछ लिखूंगा। तो पहले आपको जिस पाथ पे सेट करना है उस चीज को, जिस पाथ पर आपको फाइल को सेव करना है उसी पाथ पर आप इस चीज को सेव करोगे। तो मैं इसलिए जो पाथ था हमारा उसी पर हम सब चीज सेव करेंगे और उस पर राइट करेंगे जो भी लिखना होगा। तो इसको डबल सिंगल कोट जैसे आपको रखना होगा इसे रखो एंड देन फाइल के बाद से मुझे जिस फोल्डर के नेम, जो फाइल नेम मुझे चाहिए मैं वो फाइल नेम कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे cds .txt फॉर्मेट में करता हूँ। ओके, एंड हमारा काम इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, तो हमें राइट करना है, रीड नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर रीड करना होता तो आर हम लिखते हैं इस जगह पर। ओके, तो एज सीरीज फाइल हम कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ फॉर लूप यूज करते हैं और फॉर लूप के अंदर हम क्या करते हैं, सीटी फाइल, एक सीटी ये ले लेते हैं वेरिएबल और इसके अंदर मैं सीरीज को रखना है ये कर देता हूँ। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, सीटी मैं सिर्फ अभी प्रिंट करता हूँ। ओके, तो जब मैं सीटी प्रिंट करूंगा तो यहाँ देखो ये क्या होता है। यहाँ पर मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई ये सब प्रिंट कर दिया। अब क्या, जो फोल्डर था हमारा यहाँ पर, ये जो फोल्डर था तो इस फोल्डर में हमने सेव करा है। ओके, हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करा है अभी जब हमने लिखा था, तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हुआ। तो इसके अंदर अब देखते हैं तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है। ओके, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ जो इसके अंदर लिखा नहीं। अब यहाँ पर आप सोचो कि आखिर है क्या। तो यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपकी फाइल क्रिएट तो हो जाएगी बट ये जो सीटीज के अंदर, जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, ये इस फाइल के अंदर फिल नहीं हो पाएगा। ओके, राइट नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें इसके लिए फाइल फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा और इसके अंदर हमें सीटीज फाइल को रखना होगा। ओके, तो यहाँ सीटीज फाइल हो गए हमारे। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो देखो यहाँ पे आउटपुट तो कुछ नहीं दे रहा जो भी यहाँ पे आउटपुट होनी चाहिए, बट जब मैं इस सीटीज फाइल को जब मैं ओपन करूंगा तब यहाँ पे देखो आप मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप ऊपर देखो यहाँ पर नोटपैड में, तो यहाँ पर आपको दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई शो कर रहा। तो ये होते हैं हमारे क्या, राइट फंक्शन। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक और कुछ कुछ भी एक्स वाई जेड अगर मैं कर दूँ। ओके, एंड देन मैं फिर से इसे रन करूँ और फिर मैं उस फोल्डर को ओपन करूँ तो यहाँ देखो लास्ट में एक्स एक्स एस, ये तो ये हमारे होते हैं राइट फंक्शन। ओके, अब हम, हमें यहाँ यूज क्या करना है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बहुत चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो कि राइट फंक्शन और रीड फंक्शन में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो हमने तो यहाँ पर राइट कर दिया है, अब मैं इसी फोल्डर को फिर से रीड करके एंड इसमें बहुत सी चीजें मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप अभी देखो। यहाँ सीटीज मैं करता हूँ और इसे मैं एक लिस्ट लेता हूँ, उसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ, एम्प्टी छोड़ देता हूँ अभी। अब फिर मैं यहाँ पर करता हूँ कि हमारी जो फोल्डर थी, ये जो फोल्डर है ये किस नेम से सेव है, ये जो फाइल है ये सीटीज टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट फॉर्मेट पे सेव है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ मैं सीटीज .txt फॉर्मेट को मैं ओपन करूँगा, रीड करूँगा। ओके, क्योंकि अभी मैं पाथ डिसाइड नहीं करूंगा, अभी मैं पाथ इसे बताऊंगा नहीं कि ये क्या, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट उस पाथ पर है। ओके, तो मैं अभी इसको पूरा ये नहीं करूंगा, डिक्लेयर नहीं करूंगा।
ओके, तो यहां पे अब मैं करता हूँ CT file, ओके, और फिर फॉर CT इन CT file, एंड देन यहां मैं CTs, ये जो अभी है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना अच्छा ये होगा तो आपके लिए बहुत ही सही होगा। तो यहां मैं CT यूज कर रहा हूँ, एंड देन मैं यहाँ प्रिंट करूंगा CTs को, ओके, फॉर CT इन CTs, प्रिंट CT, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे रन करूंगा। अब जब मैं रन करा तो यहाँ एरर किस जगह पे शो कर रहा है, लाइन 8 में, ओके। तो लाइन 8 में एरर क्या शो कर रहा है, यहाँ मैं TXT फॉर्मेट नहीं TEXT फॉर्मेट में यूज कर दिया था, तो इस वजह से ये एरर शो कर रहा था। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट पर है, ओके, TEXT, इसे बताना होगा TEXT, TEXT नहीं यहाँ पर आप कर सकते। तो यहाँ पे ये इसने शो कर दिया दिल्ली पंजाब मुंबई, इसने रीड कर लिया जो भी इसने लिखा था, जो हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर वो उसने रीड कर लिया, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या है, दिल्ली पंजाब मुंबई, ओके, तो ये सब इसने रीड करा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें क्या करूंगा कि एक चीज मैं यहाँ पे अपेंड के बारे में अभी बता रहा हूँ, अपेंड की यहाँ पे किस वजह से यूज किया जा रहा है। अपेंड इस वजह से यूज किया जा रहा है कि आप पिछले लेक्चर अभी आप अपेंड के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे आपको जानने को मिलेगा कि अपेंड क्या करता है, किसी भी लिस्ट के एंडिंग में वो ये करता है, फिल करता है, तो उसे हम अपेंड कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीटी फाइल को वो क्या कर रहा है, सीटी में फॉर लूप में सीटी में रख रहा है, एंड सीटी को क्या कर रहा है, सीटीज के अंदर अपेंड कर रहा है सीटी को। तो ये जो सीटीज जो वेरिएबल जो मैं यहाँ पे लिया हूँ, जो एम्प्टी लिस्ट है, इसके अंदर ये बार बार क्या करेगा, फॉर लूप जब जब चलेगा वो 1 by 1 ये फिल करता चला जाएगा यहाँ पर। तो ये अपेंड का काम होता है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पर एक चीज मैं यूज करूंगा स्ट्राइप के बारे में, ये स्ट्राइप फंक्शन, ये क्या होता है आखिर, तो इसको यूज करने का डॉट यहाँ पे यूज करते हैं, एंड देन इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि अगर इन केस सपोज, इससे पहले मैं रिजेस कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो /n जो है ये रिमूव हो जाए, ओके, /n रिमूव हो जाए, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक स्ट्राइप फंक्शन मैं यूज करूंगा, ओके, और इसे एम्प्टी जब मैं ये कर दूंगा, छोड़ दूंगा एज इट इज, इसको इसी तरह रन करूंगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, /n को ये रिमूव करता हुआ चला जाएगा, ओके, और जो भी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जितनी गैप थी वो सभी को ये रिमूव कर देगा, ओके। तो ये क्या करता है, ये रिमूव करने का काम करता है। अगर आपने इसे एम्प्टी छोड़ दिया तो भी ये रिमूव करेगा, अगर मैं यहाँ पे /n भी यूज करता हूँ, सपोज /n यूज कर रहा हूँ, तो भी ये वही काम करेगा जो कि पिछले अभी कर रहा था। तो ये इस टाइप का काम होता है। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि सपोज यहाँ पर हमारे फंक्शन, इसके अंदर क्या क्या वैल्यू है, दिल्ली मुंबई चेन्नई, ये सब हमारी वैल्यू है, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुंबई की जो एम हो स्टार्टिंग की वो इरेज हो जाए, ओके, वो उसे रिमूव कर दे। तो यहाँ जब मैं एम क्लिक करूंगा, इंटर करूंगा, तो ये क्या करेगा, मुंबई की जो स्टार्टिंग में जो एम है उसे ये रिमूव कर देगा, ओके। इतना आपको समझ में आ गया। अब मुंबई के लास्ट में आई है, तो मैं अगर आई को रिमूव करना चाहता हूँ, दिल्ली के आई, चेन्नई के आई को अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ लास्ट की, तो ये क्या करेगा, ये सभी के आई को इसने रिमूव नहीं करा, ओके। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, लास्ट में इसने तो रिमूव नहीं करा, और वही अगर मैं फर्स्ट में अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो इसने फर्स्ट के ए को रिमूव कर दिया, सॉरी ए तो है नहीं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पी कर देता हूँ, पंजाब, ओके, तो पी पंजाब को रिमूव कर दिया, बट बी अगर मैं पंजाब के लास्ट में अगर बी है तो इसे मैं अगर करना चाहता हूँ तो क्या ये रिमूव करेगा, नहीं करा इसने रिमूव, ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्ट्राइप फंक्शन जो होता है वो सिर्फ स्टार्टिंग के एलिमेंट को रिमूव करता है, एंड अगर आपने पूरा फिल करा पंजाब अगर आपने लिखा तो ये इसे रिमूव करेगा,
ओके, तो ये पंजाब को पूरा रिमूव ही कर दिया, हटा दिया इसने। तो इसका काम यही होता है कि या तो ये सिंगल अगर आप एक कैरेक्टर दे रहे हो, अगर वो स्टार्टिंग की है कैरेक्टर, देन वो ठीक है। अदरवाइज वो क्या करेगा, उस चीज को एज इट इज रहने देगा। अगर यहां मैं ए लिखता हूं तो वो ये नहीं करेगा, रिमूव नहीं करेगा किसी भी एलिमेंट को, क्योंकि वो मिडिल में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है। अगर वो फुल आप लिख रहे हो, दिल्ली अगर आप लिख रहे हो यहाँ पर, अगर आप पूरा लिख रहे हो देन वो रिमूव करेगा। ओके, तो ये होती है हमारे स्ट्राइप फंक्शन के बारे में। दिल्ली यहाँ पे रिमूव हो गया, तो ये है हमारी स्ट्राइप फंक्शन। तो अभी तक मैं आपको क्या क्या बताया हूँ, अभी तक मैं आपको बताया कि कैसे हम राइट कर सकते हैं किसी भी फोल्डर में। तो आपको मैं समरी अगर पूरा मैं अभी आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या होगा, कि आप यहाँ पर इस जगह पर आप पूरे उस पाथ को लिखोगे जहाँ पर, जिस जगह पर आपको फाइल को सेव करके, एंड देन उसके अंदर आपको किसी भी चीज को लिखना है। ओके, और उससे पहले आप एक वेरिएबल लोगे जिसमें आप उस पूरे वैल्यू रखोगे, जो वैल्यू आपको वहां उस फाइल में राइट करना है। ओके, और राइट करने का हमेशा सिंटेक्स ऐसा होता है, डब्ल्यू आप वहां लिखोगे, और फिर यहाँ जो फॉर लूप से आप उस चीज को ये कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये लाइन अगर फाइल अगर फाइल और अगर फंक्शन आप यूज नहीं कर रहे हो यहाँ पर, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर आप जिस जगह पे फाइल को सेव करोगे उसके अंदर की वैल्यू, वो या यहाँ से वो वैल्यू वहां पर फिल नहीं हो पाएगी। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर जितनी भी है, ये फाइल के अंदर नहीं जा पाएगा, जो कि सिटीज फाइल जो आप यूज कर रहे हो यहाँ पर उसके अंदर वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि फाइल फंक्शन आप यूज नहीं कर रहे। ओके, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको ये हमेशा लिखना होगा। ओके, जैसा आप एंड यूज करते हो राइट में, वैसा ही आप यहाँ पर फाइल यूज करोगे। लेकिन एंड को आप यूज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, बट इसे आपको यूज करना कंपलसरी है। ओके, और दूसरी बात कि जब आप रीड करते हो उसी फाइल को, तो वहां पर आपको करना क्या क्या होगा, आप उसे डायरेक्टली रीड कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको TEXT फॉर्मेट आपको नहीं लिखना, आपको टेक्स्ट फॉर्मेट लिखना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे और रिमूव कर देते हो ई को, देन वहां पर वो एरर शो करने लगेगा, क्योंकि जिस वे में जहां पर वो अगर सेव किया जाता है फोल्डर में, तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट पे, TEXT फॉर्मेट पे सेव होता है पूरी फाइल। ओके, तो उस फाइल को हम टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेट पे ही होता है, टेक्स्ट TXT फॉर्मेट, बट उसे आपको यहाँ लिखना है TEXT। ओके, और इसे रीड करते हो, एंड देन अपेंड का काम आपको मैं बता दिया कि अपेंड कैसे यूज करते हैं, स्ट्राइप का काम मैं आपको बता दिया, और भी इसमें बहुत सी चीजें यूज होती हैं, पॉप रीड होती है, कॉपी, जितनी भी ये सब रीड राइट, ये सब यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, बहुत सी यहाँ पे फंक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। ओके, और तो नहीं कुछ है, और सभी चीज आपको मैं अभी फिलहाल आपको सभी चीज बता दिया इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसे प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ओके, बाय।